पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पर काफ़ी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएँ जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने ज़रूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएँ कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें उसके हिसाब से इवेल्युएट करके, और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवेल्युएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाएं, उसका कोई फॉर्मूला बनाएं और उनका इवेल्युएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें, क्योंकि परीक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा, और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा।